हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश भर में संक्रमण को लेकर जारी संकट के बीच दूसरे प्रदेशों में फंसे बिहारी मजदूरों ने मदद की गुहार लगाई है। सीमांचल मिथिलांचल सहित पूरे बिहार के हजारों मजदूर बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं। वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से मदद मांग रही है। वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाने वाले सभी मजदूर बिहार के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं और दिल्ली समेत पंजाब में मजदूरी का काम करते हैं, मगर इन सब भाइयों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन के दौरान अघोषित कर्फ्यू वाले हालात में फंसे मजदूरों ने पंजाब के एक शहर से एक वीडियो को भेजते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से मदद मांगी है और कहा कि हमारी मदद करें। 10 की संख्या में वीडियो में मजदूरों ने अपने घरों की स्थिति को दिखाते हुए बताया कि राशन से लेकर गैस की टंकी तक खाली है और ऐसे समय में हमारी मदद मालिक भी नहीं कर पा रहा है। बहुत से ऐसे भाई प्रदेश में फंसे हुए हैं जो केडीबी लाइव न्यूज देखते हैं और इस पर कमेंट करके अपना दर्द बयां करते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से परेशान गरीबों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गरीबों के लिए 100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा नीतीश सरकार लॉकडाउन के दौरान बिहार में विभिन्न स्थानों पर फंसे गरीबों को राहत पहुंचाएगी। ऐसे लोगों की मदद के लिए अब बिहार सरकार आगे आई है। इन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 9818312522 नंबर जारी किए हैं। पीएम मोदी के आह्वान के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का असर अब बिहार के छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें नवादा जिला भी शामिल है। यहां स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर गोल घेरा बनाकर सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्री बेचने का निर्देश दिया गया है, जिसका सभी दुकानदार सख्ती से पालन भी करते दिख रहे हैं। कल सुबह से नवादा में हर दुकान के बाहर ऐसे गोल घेरे दिखे। नवादा शहर के सब्जी बाजार, मेन रोड, पुरानी बाजार, विजय बाजार सहित कई बाजारों में लोग इस नियम का पालन करके सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। नवादा में गुरुवार की सुबह से ही खाद्य सामग्री के दुकानें खुली हुई है और लोग अपने दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाकर अपने अपने ग्राहकों को सामान दे रहा है। संकट दौर से गुजर रहे देश के गरीब वर्ग के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत पैकेज का ऐलान किया है। संकट से निपटने के लिए सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब मजदूरों कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि हर गरीब परिवार को रुपया दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पैकेज के तहत संक्रमण में लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवाओं कर्मियों को 50 लाख रुपया प्रति परिवार का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या फिर चावल के साथ 1 किलो दाल 3 महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी तथा महिलाओं और बुजुर्गों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का काफी प्रभाव दिख रहा है। बृहस्पतिवार को इसका असर दिखा। शहर बाजार ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी पूरी तरीके से बंद रही। लॉकडाउन से मुक्त किए गए आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खोली दिखी। मुख्य सड़कों पर जगह जगह पुलिस पदाधिकारी एवं जवान हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते दिखे। बिना वजह आवाजाही करने वालों को फटकार लगाने के बाद वापस लौटा दिया गया। इस भारत बंदी में लोग अपनी जरूरत की चीजों के साथ साथ दवा भी स्टॉक कर रहे हैं। इसकी वजह से दवा दुकानदारों की बिक्री 2 से 3 गुना बढ़ गई है। दवा दुकानदारों का कहना है कि दवाओं की कमी नहीं है, दवा की दुकानें हर हाल में खुली रहेगी, लेकिन लोग अगर दवा स्टॉक करने लगेंगे तो वक्त पर जरूरतमंदों को दवाएं नहीं मिल पाएगी, इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार से मजदूरों के लिए न्याय योजना जैसे स्कीम लागू करने की मांग की है। कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में गरीब परिवारों को हर 6 महीने 6,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। इस तरह गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए मिलते। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम पर काम करने की बजाय वन टाइम ट्रांसफर की योजना तैयार की है। 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच देश के सबसे बड़ी एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि देश के लोगों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति में
भी आपको सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन की खबरों के बीच एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की खरीदारी तेजी से बढ़ गई है और इसकी किल्लत होने की अफवाह फैल रही है। कंपनी का कहना है कि देश के लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि रसोई गैस की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। IOC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए कंपनी तेजी से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। IOC ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका असर भी दिखने लगेगा। कंपनी ने कहा है कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ग्राहकों को उनके दरवाजे पर ही गैस डिलीवरी की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है उन्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के मुताबिक ऐसे लोगों को 5 किलो का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली NCR और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई है। ताजा अनुमान के अनुसार 27 और 28 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बिहार के कोई भी जिले में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जब से भारत में रेलवे सेवा शुरू हुआ है तब से भारतीय रेल कभी बंद नहीं हुई है, मगर इस खतरे के बीच रेलवे की गति थम गई है। रेलवे की आखिरी सवारी ट्रेन कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस जो 21 मार्च 2020 को डिब्रूगढ़ स्टेशन से शुरू हुई थी आखिरकार अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले कल अपने गंतव्य कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। यह संपूर्ण भारतीय रेलवे में लॉकडाउन घोषित होने के दौरान आखिरी ट्रेन है। भागलपुर में बैंकों का कामकाज आज से पूरी तरीके से बदल गया है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही शाखाएं खुली रहेगी। शहरी क्षेत्र में सभी बैंकों की शाखाओं में ग्राहकों की संख्या पूरे दिन में करीब 20 से 30 ही रही है। इसमें से ज्यादातर जमा निकासी वाले नहीं पूछताछ करने वाले पहुंचे थे। बैंक कर्मी भी सेहत की परवाह किए बगैर ग्राहकों की सेवा देते दिखे। भारतीय डाक विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवा की 3951 वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं। 10वीं कक्षा में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। आप डाक विभाग के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लगभग सभी बड़े नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया जा रहा है। इसी क्रम में जहां एक ही दिन में 40 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, वहीं अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी को मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 लाख रुपए का अंशदान करने का निर्देश दिया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी को यह निर्देश दिया है। रामविलास पासवान ने पटना के जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा है कि मैं अपने राज्यसभा सांसद कोष से संक्रमण को देखते हुए बिहार में उपचाराधीन मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा उपकरण और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1 करोड़ रुपए की तत्काल स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा करता हूं। इससे पहले रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने भी अपने संसद निधि से संक्रमण पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी यानी कि लोजपा के सभी 5 सांसदों को भी पत्र लिखकर अपने अपने MP फंड से 1 करोड़ रुपए की मदद राशि देने की अपील की है। बिहार में लॉकडाउन के कानूनी प्रावधानों को नहीं मानने पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि राज्य में कानून तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई में 15,87,800 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं और 41 पर FIR दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस विभाग ने 531 और परिवहन विभाग ने 155 वाहनों को जब्त किया है। इस दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं। पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन से पेट्रोल डीजल की डिमांड में कमी आई है, जिसके चलते आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आज शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तेल के दाम में गिरावट आने की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में फैले इस संक्रमण के चलते कच्चे तेल के दाम में 17 साल की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की बैंकिंग गतिविधियों में कमी देखने को मिली है, लेकिन ग्राहकों की ओर से ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन सामान्य रहा। SBI के खुदरा भुगतान और डिजिटल बैंकिंग प्रमुख PK गुप्ता ने कहा है कि ऑनलाइन लेन देन चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बैंकिंग गतिविधियां गिरी है। अभी पूरा देश ब्लॉक है। तमाम बैंक भी लोगों को ट्रांजेक्शन और दूसरी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम से करने के लिए कह रहे हैं, जिससे उन्हें बैंक की शाखाएं आने की जरूरत ना हो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिससे वे घर बैठे अपने बैंक अकाउंट में मौजूदा बैलेंस और आखिरी 5 ट्रांजेक्शन की जानकारी ले सकते हैं। बैंक ने इसके लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कि
IVR सुविधा की शुरुआत की है। यह सुविधा केवल सेविंग या फिर करंट अकाउंट के लिए है। इसके अलावा आपका बैंक एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर एक ही खाता धारक के नाम पर रजिस्टर होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको बैंक के कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर में 1800-425-3800 या फिर 1800-112-211 पर फोन करना होगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 3 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी बंद करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का फैसला सही हो सकता है, लेकिन 21 दिन बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने लॉकडाउन की समय सीमा पर संयम व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये उपाय सही हो सकता है पर थोड़ा लंबा है। प्रशांत किशोर ने बुधवार को ट्वीट में लॉकडाउन फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि लॉकडाउन का फैसला सही हो सकता है, लेकिन 21 दिन बहुत ज्यादा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बताया था, कैसा लगा आपने को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।